जनवरी 2022 से सभी कपड़ा उत्पादन श्रृंखलाओं पर 5% के बजाय 12% जीएसटी लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पिछले 1.5 महीने में सूरत समेत देश के अन्य कपड़ा संघों ने केंद्र सरकार के सामने राज्य से संभावित नुकसान का मुद्दा उठाया है और कपड़ा उद्योग पर जीएसटी दर को अपरिवर्तित रखने की मांग की है। सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन के मुताबिक 27 दिसंबर तक कोई फैसला नहीं हुआ है और देश भर के कपड़ा निर्माताओं ने सब्र खो दिया है। ऑनलाइन ऑफलाइन मीडिया के माध्यम से सोमवार को चैम्बर में आयोजित देश के 50 से अधिक कपड़ा संघों के नेताओं की बैठक में 30 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें सूरत सहित देश के सभी कपड़ा व्यापारी, बुनकर सहित सभी कपड़ा उत्पादन श्रृंखलाओं से जुड़े बुनकर उत्पादक अपनी दुकान या इकाई के बाहर कारीगरों के साथ खड़े होकर काली पट्टी बांधकर दोपहर 12 बजे से दोपहर 1 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज चेम्बर ऑफ कॉमर्स अने पीएसयू नी संयुक्त मीटिंग हती अने जेमा जीएसटी ना जे स्लेब एट हाइक करवानी वात छे ते अंगे आगळ शुं पगला लेवाना ने इंडस्ट्रीज कई रीते बचावानी अने सरकार ने मेसेज अहींयाथी पहोंचाडवानो ते अंगेना तमाम निर्णयो आखा देशभरना संगठनो भेगा थया झूम पर पण अने लाइव पण अने फिजिकली पण, तो तेमा एवा निर्णयो थया छे કે 30 તારીખે બપોરે 12 થી 12:30 સુધી દરેકે દરેક વીવર્સ અને તેના કામદારો હાથ ઉપર બ્લેક રિબિન, કાલા ઝંડા અને થારી વગાડીને ગવર્મેન્ટ સુધી આ અવાજ પહોંચાડવાની વાત છે કે કસે ને કસે આ જે નાના નાના વીવરો છે તેના કામ ધંધા અટવાઈ પડવાના છે અને ચારે બાજુ બેરોજગારી થશે, એટલે ગવર્મેન્ટે આ નિર્ણય 31 ડિસેમ્બર પહેલાં કઈ રીતે આને જે નોટિફિકેશન આવ્યું છે તેને ડીનોટિફાઈડ કરવાનું, તો તેનો જલ્દીમાં જલ્દી પગલાં લે, તેથી કરીને આગળ ધંધા વેપાર કઈ રીતે ચલાવવા તો તે તમામ ટેક્સટાઈલની ચેઇનને આખા ભારત દેશમાં ખબર પડે। થેન્ક યુ।